नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निशा किचन में। और शाम के देखिए 5:30 बज चुके हैं और इधर अपने बगीचे हम लोग ने नया आम का पेड़ लगाया था, उसमें देखिए बौर और टिकोरा भी लिया है। इसमें पानी डाल देते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज धूप है तो सारा जो कि पेड़ सूख जा रहा है गर्मी की वजह से। और शाम को हम लोग डेली पानी देते हैं क्योंकि पाइप हमारा जो है ज़्यादा लंबा नहीं है कि सारे पेड़ पौधों को मिल जाए, तो बाल्टी बाल्टी देना पड़ता है। और हमारे खेत में जो कि लहसुन भी तैयार हो गया, तो आज हम बनाने वाले हैं लहसुन की सब्जी गांठ वाली। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप इसको चावल साथ, रोटी साथ, किसी चीज़ के भी साथ खाइए ना, बहुत मज़ा आता है। तो अभी चलेंगे ताज़े लहसुन खनेंगे, उसी की सब्जी बनाएंगे शाम को। इधर हमने कुदाल ले लिया है और चलेंगे लहसुन खनेंगे। ये देखिए जो अमरूद का पेड़ था हमारे, इसमें काफ़ी फूल और बतिया लिया अमरूद का, बहुत ज़्यादा फरेगा इस बार ये। तो ये अमरूद जो कि सर्दियों में और गर्मियों में ज़्यादा फरता है, देखिए कितना फूल बतिया लिया, नए पत्ते भी इसमें निकले हैं और बहुत ज़्यादा फरता है, बहुत मीठा अमरूद है। एक अमरूद का पेड़ देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये भी बहुत बढ़िया है। पत्ते सब देखिए झड़ रहे हैं, इन्हें पत्ते सब ले रहे हैं अमरूदों के पेड़ों में। इधर देखिए खेत में नूरी बांधी गई है, छोटी सी बकरी हमने पाला है, ये भी घास उस खा रही है। लहसुन जो खेतों के तैयार हो गए हैं उसको खनते हैं। इसका पत्ता देखिए सूखने लगा है एकदम, ये देखिए गांठ है लहसुन, ये देखिए गांठ है लहसुन, कितना बढ़िया देखिए देखने में लग रहा है, बहुत बढ़िया जो कि लहसुन भी पड़ा है। और इसी की आज हम सब्जी बनाएंगे और ये सब्जी जो कि बहुत टेस्टी बनता है। तो अब लहसुन यहाँ से लेके देखिए वहाँ तक लगा है, सब तैयार होगा, सबको खनना है, टाइम निकल के धीरे धीरे। पापा मेरा चप्पल ले लिया, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा, देखिए हर तरह का लहसुन पड़ा हुआ है। जहाँ पे अच्छा खाद पानी मिला वहाँ का बड़ा है, जहाँ पे अच्छे से नहीं मिल पाया वहाँ का छोटा लहसुन है। खन खन सारा निकालेंगे मेरे पे का लहसुन। ये देखिए बीच बीच में ना लहसुन के खेत में धनिया भी लगाया गया था, देखिए इसमें बीज और फूल लिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें देखिए कीड़े भी लगे काक दो, कैसे लग रहे हैं देखने में, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी सारा देखिए लहसुन जो खना गया, इसका मिट्टी झड़ के रखना है, इतना खना दिया है 2-3 मेड़ी। और अब ये लहसुन जो कि कल सवेरे खनेंगे, इसको इतना रखते हैं टोकरी में, जहाँ पर पहले से लहसुन हम लोग खन रहे थे वहीं रख देते हैं। इसको उठाते हैं और लेके चलते हैं। तो बगल खेत में उतैला बोया गया है और नैने देखिए इसमें पत्ते निकल रहे हैं और पानी पाकर बहुत जल्दी ये बड़ा हो रहा है। अब तो लहसुन देखिए एक टोकरी खनाया है, अब इसको उठाते हैं दोनों लोग, बहुत भारी है, इसको लेके चलेंगे। चलो दोस्तों क्या करें, तो लहसुन देखिए यहाँ पे सब इकट्ठा कर दिया गया है और आपको दिखा दो कि इसकी पोटली किस तरीके से बनती है लहसुन की। देखिए इसको पोटली बना के इस तरीके से बांध के रख देंगे स्टोर करके, तो लहसुन जो कि बहुत काम आता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, साल भर 1.5 साल ऐसे लहसुन चलता है। इसको हम लोग टाड़ पे टांग देते हैं सब्जी में, मसालों के रूप में जानते हैं कितना इसका पेस्ट बनता है लहसुन का, बड़ा इस्तेमाल होता है। और जो सब्जी बना हमें लहसुन ना देखिए बड़ा बड़ा गांठ वाला छाट लेते हैं इस तरीके से। गांठ वाला देखिए लहसुन जो है खेत से हमने ले लिया है सब्जी बनाने के लिए, और चलते खेत में भी हमारे पानी भरा रहा है, देख लेते हैं कहाँ तक पानी पहुँचा कहाँ तक नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा, देखिए खेत सूखने लगा है, तो यहाँ पे हमने पाइप लगा के पानी लगा दिया, देखिए पानी अच्छे से क्यारी में अब जा रहा है और सारे साग सब्जियों को पानी अच्छे से मिल जाएगा। इधर आम के पेड़ को भी मिल जाएगा, उधर भी आम के पेड़ में भी काफ़ी अच्छा आम हो रहा है। पानी देना बहुत ज़रूरी है समय गर्मियों में, जो सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे और साग सब्जियाँ भी। यहाँ पे लगा दी, चलते हैं अब सब्जी बनाते हैं। तो चूल्हे के पास देखिए आ गए हैं, जो लहसुन हमने देखिए खेत से ताज़ा खनना था ना, इसका देखिए पहले डंठल हटा देंगे काट कर, जो ऊपर देखिए छिलका है इस तरीके से हटा देते हैं। इसकी सब्जी जब बहुत टेस्टी बनती है ताज़े लहसुन की, जो हम ताज़ा एकदम खेत से खन के लाते हैं। ये जो पीछे का देखिए इसका ये सब हिस्सा है जड़ वाला, इसको भी हटा देते हैं, फसूल से काट के साफ कर लेंगे अच्छे से, जो छिलका था इसको भी हटा लेते हैं। ये देखिए हमने इसका जो था पीछे वाला हिस्सा हटा दिया है, पसूस अच्छे से साफ़ कर लिया छिलका भी, उसको देखिए इस तरीके से थाली में रखते जाते हैं। तो इसके हिसाब से जितना हमें हमारे घर में सदस्य, एक एक लहसुन का गांठ जो है सबके लिए हम काट के, और इसको जो कि ये जो पीछे का हिस्सा है जड़ वाला, इसको हटा दे रहे हैं और छिल छिल के थोड़ा लहसुन को इस तरीके से ऊपर का जो छिलका अपने आप देखिए हट जाएगा। लहसुन के यहाँ पे हमने डंठल जड़ और उसका छिलका देखिए हटा लिया है, और ग्रेवी में डालने के लिए इधर देखिए हमने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर लिया है। चलते पहले लहसुन को देखिए साफ पानी से पहले धुल लेते हैं।
कढ़ाई में देखिए हमने तेल डाल दिया, जो लहसुन काटना था इसको हमने धो लिया साफ पानी से करके, देखिए हम डाल लेते हैं कढ़ाई में। हल्का इसको फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें डालेंगे हल्का सा हल्दी पाउडर, थोड़ा डालते हैं नमक और अच्छे तरीके से इसको उलट उलट कर फ्राई कर लेते हैं। जब तक हमारा लहसुन फ्राई होता है इधर देखिए हम प्याज को बारीक बारीक काट ले और टमाटर को भी काट ले रहे हैं तड़का लगाने के लिए। लहसुन को हमने फ्राई कर लिया है तेल में अच्छे तरीके से, इसमें हल्दी नमक डाला तो अच्छे तरीके से लहसुन के ऊपर अच्छे से हल्दी और नमक लग जाता है तो अच्छा लगता है खाने में। इसको निकाल लेते हैं कढ़ाई में से, तड़का लगाएंगे। ये लहसुन की जो सब्जी बनती है ना ये काफ़ी बीमारियों से बचाता है, बड़ा फायदा करता है लहसुन की सब्जी, हफ्ते में एक बार जरूर खाना चाहिए। इसी बचे हुए तेल में हम और तेल डाल देते हैं और इसी में तड़का लगाएंगे। इधर हमने आधा चम्मच जीरा, सूखा लाल मिर्च, तेजपत्ता लिया है, इसको डालते हैं साथ में तीनों को। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, तड़के को अच्छे तरीके से लाल करके, जो जीरा हींग तेजपत्ता और सूखा लाल मिर्च डाला है इसको अच्छे से लाल कर लेंगे। तड़का हमारा लाल हो गया, इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, यहाँ पे हमने तीन प्याज काटे मीडियम साइज से एकदम बारीक, इसको डालते हैं। प्याज को लाल से भूनते हैं, प्याज भूनते भूनते देखिए थोड़ा नरम होने लगा, इसमें डालेंगे अब अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने कूट के रखा है पहले से ही, इसको डालते हैं। इसमें हरी मिर्च हमने कूटा है कसा, इसको चलाते हुए अदरक लहसुन का पेस्ट को यहाँ पे भून लेते हैं इसके साथ प्याज के साथ। तो प्याज यहाँ पे इसी तरीके से लाल हो गया, इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर, आप चाहते हो यहाँ पे टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, तो दो यहाँ पे हमने टमाटर काटे टुकड़ों में इसको डाल दे रहे हैं। इसको चलाते हैं और चलाने के बाद इसमें हम सूखे मसाले डाल देते हैं, हमारा टमाटर पकता रहे और मसाला भी जो कि इसी साथ पकता रहे। इसमें डालेंगे आधा चम्मच देखिए हल्दी पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसमें डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच और एक चम्मच डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, बहुत तीखा ये, इसको डाल देते हैं। और यहाँ पर डालेंगे हम सत्तू एक चम्मच, इससे क्या होगा ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी बनेगी, एक चम्मच और डाल दे रहे हैं, तो आधा चम्मच देखिए सत्तू को और डाल दे रहे हैं, ये सत्तू है। और अब इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद के अनुसार, अब इसको चलाते हुए भून लेते हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पानी डालेंगे तो जो हमारे मसाले हैं वो जले ना, थोड़ा सा पानी देखिए हमने डाल दिया है और चलाते हुए इसको अच्छे से पकाएंगे। भी खाने डालते हैं और देखते हैं कि हमारे टमाटर मसाले अच्छे तरीके से पके हैं कि नहीं। देखिए मसाला जैसे अच्छे से पक चुका है, टमाटर भी अच्छे तरीके से गल गया है और यहाँ पर जो हमने लहसुन को फ्राई करके निकाला तेल में, इसको डाल देते हैं करके। इसमें डालते हैं कसूरी मेथी, थोड़ा सा हाथों से क्रश करके अच्छे तरीके से इसको मसाला अच्छे से कोट कर लेते हैं लहसुन को। मसालों को अच्छे तरीके से देखिए लहसुन को हमने कोट कर लिया, इसमें डालेंगे ग्रेवी के अनुसार पानी, थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं, इसको 4 से 5 मिनट ढककर पका लेते हैं सब्जी को। थाली पॉट आते हैं, देखिए क्योंकि हमारी सब्जी में काफ़ी जैसे उबाल आ गया और ग्रेवी देखिए सब पक चुका है, तो ऊपर डालते हैं किचन किंग मसाला, इससे सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो आधा चम्मच डालते हैं इसमें किचन किंग मसाला और इसको चला दे रहे हैं, चलाने के बाद 2 मिनट इसको और पकाएंगे। किचन किंग मसाला डालने के बाद सब्जी को 2 मिनट पकाए हो गया है, ऊपर डालते हैं धनिया के पत्ते को बारीक कटा हुआ और ये देखिए हमारा लहसुन का एकदम लाजवाब सब्जी बनकर तैयार हो गया है। इसको बर्तन में निकालते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया सा ग्रेवी बना है, बहुत गाढ़ा ग्रेवी बनता है सत्तू डालने से और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया देखिए सब्जी बना लहसुन का, लहसुन की देखिए एकदम लाजवाब सब्जी बनकर रेडी हो गया है। और ये किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे ना तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और ये सब्ज़ी जो कि खाने में सबसे अलग और सबसे टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।